नमस्कार साथियों, मैं अरविंद और आज आपको गांव कलेक्शन बताएगा कि कैसे मिट्टी की जो जांच होती है, जो हम लोग सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, उसका नमूना कैसे लें। सरकार आती है, उसके कर्मचारी आपके यहाँ दरवाजे पे खुद आते हैं, वो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद भी लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे। और अच्छा तरीका भी है कि क्योंकि मिट्टी की एक सूरत होती है, उसको एक निश्चित कंडीशन में पहुँचाना होता है लैब तक, तो ज़रूरी है कि आप समझ जाएँ कि वो कैसे कैसे निकाली जाए खेत से, कैसे उसे लैब तक पहुंचाया जाए। तो हमारे साथ हैं हमारे एक सहयोगी हैं अखिलेश पाठक जी, जो आपको बताएंगे कि अखिलेश कैसे नमूना लिया जाए मिट्टी का, क्योंकि मृदा जांच तो जरूरी है, लोग कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, लेकिन आप बता रहे थे कि बहुत सारे किसान जानते नहीं, या बहुत सारे एक्सपर्ट भी नहीं जानते हैं कैसे लिया जाए, अच्छा तरीका क्या है। नमस्कार। पहले तो सबको, मेरा नाम अखिलेश पाठक है और मैं जो सैंपल निकालते हैं ना किसान, उसमें क्या है, सैंपल निकालने का तरीका नहीं मालूम है उनको। अगर आप सैंपल सही से निकालोगे तो जो जांच आएगी एकदम सही आएगी। जब आप सैंपल में ही गड़बड़ कर दोगे तो सैंपल सही नहीं होगा, तो जांच भी सही नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या है, पहले तो सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। आमतौर पे क्या करते हैं, जैसे किसानों से बोलो कि सैंपल निकाल लाओ, गए खेत पे, गए और जाके वो चार पांच जगह से सैंपल उठाया और लेके पकड़ा दिया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि चारों कोनों से लगभग 10-10 फीट छोड़ के सैंपल निकालना चाहिए। कारण क्या है कि कोने जितने भी होते हैं ना खेत के, वो जुताई के कारण धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं। खाली हो जाते हैं। हाँ, नीचा मिलेगा आपको। तो वहाँ जो भी हम खेत में यूज करते हैं, DAP, यूरिया, पोटास वगैरह, वो धीरे धीरे बह के वो कोनों में पहुँच जाती है। तो वहाँ से अगर हम सैंपल उठाते हैं तो वो रिजल्ट सही नहीं आता है, कोनों से थोड़ा सा हटके हमें सैंपल निकालना है। उसके बाद खेत से चार पांच जगह से सैंपल निकालना होगा। उसके लिए हमें वी आकार का गड्ढा बनाना होगा, 6 इंची चौड़ा और 6 इंची गहरा। अच्छा ठीक है, पहले हम गड्ढा बनाएंगे, अच्छा फिर क्या हाँ, उसके तो ये देखिए बता तो रहे थे, साथ में आपको बता भी रहे हैं कि कैसे गड्ढा बना, तो आप देखिए। अब मैं अपने सहयोगी सुनील जी से कहूंगा कि वो बताएं गड्ढा, देखिए ये ऊपर है। से पहले हल्का हल्का साफ कर लिया जाए, क्योंकि ऊपर जहाँ भी खर होंगे वो हट जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद ऐसे लगभग 6 इंची चौड़ा और 6 इंची गहरा गड्ढा बनाना है हमें। ओके ठीक, लगभग देखो, ठीक है, तो ये लगभग 6 इंची हमारा हो जाएगा। यानी एक बित्ता अगर पूरा आप नापते हैं तो करीब 6 इंच के आसपास हो जाएगा, वैसे आपको उतना ही है। इसमें से ऐसे खोद लेंगे, और इस मिट्टी को जो बीच में से निकाल रहे हैं ना, इसे हटा देंगे हम। अच्छा, ये हाँ, मतलब ये नमूने के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये नहीं हमें लेने हैं। दोनों साइड से वी आकार का बना लो। और खड़ी फसल से नमूना नहीं लेना है। आमतौर पर क्या होता है, लोग खड़ी फसल से नमूना निकाल यानी लेते जिस हैं। खेत में फसल लगी हुई है कोई भी, हाँ उसमें से हमें कोई भी हाँ नमूना नहीं लेना है, खेत खाली होना चाहिए। इसका इसके पीछे का आशय ये है, क्योंकि जब खेत में कोई फसल लगी होती है तो हम उसमें कोई न कोई खाद, DAP, यूरिया, फास्फोरस सब डालते रहते हैं, तो खेत ऐसा हो जिसमें कुछ ना लगा कुछ हो, ना लगा हो। तो ये देखिए, ऐसे इन्होंने गड्ढा कर वी दिया है। आकार का गड्ढा है, लगभग 6 इंची गहरा और 6 इंची चौड़ा है। ठीक है, इसमें क्या है, जितनी भी मिट्टी में परतें हैं ना, वो सब परतें इसमें आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, ऊपर से लेके ये अच्छा तरीका। हाँ, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ये देखिए ऐसे ऊपर से खुरचना लेके है। नीचे तक लगभग 1-1 इंची खुरच लेना है। ठीक हाँ है, दोनों साइड से, एक साइड से ये हाँ और ऐसे ही दूसरी साइड से। ये मिट्टी हमारी हाँ एन निकल आएगी, इसको हम अपने उसमें लिए लेते ओके हैं। ऐसे ही खेत से निकालना है, फिर इसको ले जाके अच्छी तरह से मिलाना है। तो ये अभी हमारे एक खेत की तीन तरह की तीन मिट्टी हो जगह गई की, है, तीन जगह दो से भी अभी मिली, आप और लेंगे। दो जगह जैसे, पांच जगह से हमने सैंपल हाँ इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक और ले लेते हैं, मेरे साथ में चला भी जाए, इन लोगों को पता चल जाए। गुल्लू उठा लो इसको, तो ये आपको ले चलते हैं एक दूसरे कोने की तरफ। तो ये जो बड़ा खेत है दरअसल, और इसमें एक सावधानी और रखनी चाहिए कि 5 बीघे से ज्यादा सैंपल नहीं, एक एकड़ अच्छा, से, एक एकड़ एक जमीन एकड़ हो। का सैंपल होना चाहिए। एक एकड़ से ज्यादा अगर आप सैंपल लेते हो तो उसका कैलकुलेशन फिर गड़बड़ आती है। अच्छा, ठीक है, तो 5 बीघे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 बीघे का एकड़ है। 5 बीघे के एक एकड़ है, हाँ, तो एक एकड़ से ज्यादा सैंपल नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का 10 बीघे का खेत है, बहुत बड़ा खेत है, तो अच्छा तो टुकड़ों उसमें में से कर दिए। दो सैंपल लेने आएंगे। ठीक है, जी। तो दूसरा गड्ढा मैं कहूँगा जल्दी से खोदा जाए, ताकि वहाँ से भी मिट्टी निकाली जाए,
गोली ले आना जरा सा वो। हाँ ये देखिए, तो एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। ये देखिए, ये सब नुकसानदायक चीजें जो हैं, प्लास्टिक जैसे ये चीजें हैं, सब हटा दी जाए इसमें। तो मिट्टी की पहली लेयर जो जुताई होती है जो करीब 1.5 इंच की, वो हटा दीजिए ताकि ये देखिए 1 इंच हमने 6 इंच करीब नापा और इसका गड्ढा खोदा। बहुत आसान है लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं। तो भारत में अभी तो ये है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक नहीं, सरकार मुफ्त में करवा रही है, कुछ लोग अपने भी करा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे किसान हैं। बीइंग एज ए रिपोर्टर, एज ए किसान, मैं खुद देखता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो इसकी अहमियत को समझते हैं। आपको करना क्या, ये नहीं सिर्फ कार्ड मिल गया तो लेके चले। जैसे हम बीमार होते हैं तो जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं, अपने बहुत सारी जाँचें करवाते हैं, फिर दवा देते हैं, तो वैसे ही है ये। आपकी जो खेती है, जो आपका खेत है, ये उसका पूरी रिपोर्ट मिलती है, उस हिसाब से फिर उसका इलाज होगा, क्योंकि मिट्टी सब जानते हैं कि बीमार हो रही है। फिर एक गड्ढा देखिए खोदा गया है और इसमें जल्दी से कुछ मिट्टी निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है। ज्यादा मिट्टी जरूरत नहीं है। तो एक आप कुछ कुछ और बता रहे थे कि लगभग जैसे हम 5-6 जगह से निकालेंगे तो लगभग आधा किलो मिट्टी होगी। अच्छा, तो आधा किलो मिट्टी होगी तो लैब में आधा किलो मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती हमें, 250 ग्राम मिट्टी की जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, तो ऐसे क्या हम पहले अच्छी तरह से 5 जगह से निकाली, अच्छी जगह से निकाली तो लगभग 100-100 ग्राम मिट्टी निकली, तो आधा किलो मिट्टी निकल आई हमारी, तो उसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर उसमें से जो कंकड़ पत्थर या कोई पत्ती है वो हटा दिया जाएगा। अगर सैंपल में नमी है अच्छा तो उसे अखबार पे सुखा देंगे। हाँ। मतलब गिला, लेकिन साथ हमने सुना है कुछ नमी होना भी चाहिए, मिट्टी बहुत ड्राई ना हो, बहुत सूखी ना हो। नहीं नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर नमी होगी तो उसमें गड़बड़ रहती है। अच्छा, सैंपल ड्राई होना चाहिए, ड्राई सैंपल होगा तो टेस्ट सही आएगा। अच्छा। और जो सैंपल सुखाना है वो हमें धूप में नहीं सुखाना है, छांव में, छांव में सुखाना है भाई, क्योंकि जो नाइट्रोजन की मात्रा होगी उसमें क्लियर नहीं आ पाएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो हमें छांव में सुखाना है। तो ये जो जिनका खेत है, दरअसल सही माने में मेरा ही खेत है ये, और मैं खुद अपने भी गांव जो बाराबंकी में टाणपुर वहाँ आया हूँ, तो मुझे साथ में ये मिल गया, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ। और ये मौका भी था कि मैं दिखा पाऊँ आपको कि कैसे करना है। ये जो जिस खेत है इसमें अभी मुझे मेंथा लगानी है, तो उसके लिए जरूरी था कि हम मिट्टी का टेस्ट करा पाते। मैं आपको बताऊं, उसके बगल में जो खेत दिख रहा है ये सतावर लगी हुई है, लेकिन इसकी पैदावार बहुत अच्छी नहीं है। तब तक गड्ढा खोद रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि ये जो मेरा बगल का दूसरा खेत है, ये इसमें सतावर लगी है, एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी खेती कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस खेत की जाँच नहीं हो पाई थी। देखिए कितना कबाड़ सा हो गया है, अब मेरे कई सारे दवा और मतलब फिलासरी जो मेरे करते रहते हैं खेती में, बहुत सारे खुराफात, उसके बावजूद ये अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि इसकी जांच नहीं हो पाई थी पहले से। तो इसीलिए मैंने लगा कि जो खेत बाकी बचे हैं उनकी हर हाल में जांच हो, और जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर हो। यही आपको भी करना है। तो गड्ढा खुद गया है, मिट्टी निकाली जा रही है। पाठक जी, कितना समय लगता है इसको रिपोर्ट आने में? रिपोर्ट आने में लगभग एक सैंपल जो टेस्ट होता है वो लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है हमें। मैं जो हम अभी यहाँ पे देते हैं पीएच, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास, चार चीजों का हम आपको बताएंगे यहाँ जो हमारी यहाँ लैब बनी है। अच्छा, उसमें तो उसमें लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। तो जो किसान जाए, क्या इन्होंने गड्ढा सही खोदा है? अभी थोड़ा वी आकार का नहीं बन पाया, ये वी नहीं बन पाया। ये देखो, ये ये गड्ढा बनाने वाले एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, बावजूद इसके इनको गड्ढा सही से देखे नहीं बना। यही एक सावधानी जो है हम लोगों को बरतनी होती है। जितना अभी भी बना, अब हमें इसे निकालनी है मिट्टी। ये देखिए, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे जाइए ताकि मिट्टी की पूरी परत आ जाए, और इसको हमने उठा लिया है। ये हमारे छोटे से किसान, अब मैं लगा पर्याप्त मिट्टी हो गई है, काफी। तो अब यही बता देते हैं ताकि बाकी कोई सारे लोग देख रहे हैं, 200-400 लोग, 1000 लोग उनके। हाँ अच्छा, तो ये मिट्टी को इन्होंने, हाँ हाँ हाँ, क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिलाना है। अच्छा अच्छा, ये ऐसे मिला, गुरगुरी कर देनी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
यानी इसमें कंकड़ पत्थर कोई अगर चीज है खर वो पतवार कुछ ऐसा मिला हुआ है तो हम उसको हटा देंगे वहां हटा से। देंगे। हाँ जैसे ये निकल रहा है ना ये देखो, देख। हाँ ये चीजें सब हट जानी चाहिए पहले ये से, अच्छी तरह से मिलाना है। अगर हो सके तो ये मिलाने के बाद इसे छान लिया जाए। छान अच्छा लिया जाए हाँ तो हाँ छान देंगे तो उसमें क्या है जो भी होगा वो निकल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। अब इसमें लगभग आधा किलो के आसपास मिट्टी होगी, तो हम इसे अगर खेसी बार कोई अखबार होगा उसके ऊपर कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसमें बता देते हैं कि जैसे आधा किलो है तो हमें 250 ग्राम कैसे करनी है। अच्छा इसके हमें चार भाग करने हैं। अच्छा ठीक तो है चार भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये देखिए इसको, अच्छा इसको हाफ कर दिया। हाफ ऐसे किया, हाँ, ऐसे चार भाग किए इसके। अच्छा ठीक है ठीक है मिट्टी पूरी तरह मिल जाए, पूरी खेत की जो मिट्टी है वो हर तरह से जाए, उसलिए इन्होंने तरीका अपनाया ठीक है है ये इस चार मिट्टी को चार भाग में कर दिया। हाँ ठीक है। अब इसमें से हम दो आमने सामने के कोई भी दो भाग हटा देंगे, अच्छा क्योंकि लैब में हमें 250 ग्राम मिट्टी चाहिए, इतनी मिट्टी नहीं ज्यादा चाहिए। जरूरत नहीं है, ठीक है तो दो भाग कोई भी आमने सामने के हम हटा सकते हैं, बाहर फेंक देंगे उसको। ठीक है इधर का ले लिया और एक भाग इधर इधर का से हटा लिया। दिया। ठीक है अगर फिर भी ज्यादा है मिट्टी तो फिर इसको उसी तरह ऐसे डिवाइड करेंगे इसको। ऐसे सारी नुमा गोल आकार देते हैं और हुँ। फिर इसी तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है फिर इसके दो पार्ट हटा देंगे दो, और दो पार्ट रखेंगे। अब ये जो मिट्टी बची है ये शुद्ध सैंपल है, इसे आप अच्छी तरह से बना लो। बनाने के बाद जो थैली देंगे उस थैली पे पूरा डिटेल लिखना है, किसान का नाम, उनके पिताजी का नाम, गांव, किस डेट में सैंपल निकाला है वो, और पहले कौन सी फसल थी इसमें, और अच्छा किस फसल के लिए आप टेस्ट करा रहे हो, वो पूरा लेबल उस पर लगाना होगा। और इसके साथ साथ खेत की पहचान, क्योंकि जैसे आपने चार सैंपल दिए तो चारों सैंपलों का तो मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा किस खेत का है, तो खेत की पहचान होनी चाहिए। जैसे नीम वाला है, पीपल वाला है या सड़क वाला है, तो खेत की पहचान भी डालनी होती है। बस यही है इसमें। और उसके बाद फिर उस जो आप बताएंगे प्रिस्क्रिप्शन देंगे जो इसका इलाज बताएंगे मिट्टी का, वो उसे इस्तेमाल करना है। हाँ उसे उसमें उतनी मात्रा में आपने डालना जिस है। इलाके में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपने बहुत सारे और गांवों में भी इस तरह के टेस्ट किए होंगे, क्या निकल के आए, मिट्टी क्या कहती है? यहाँ का जो मिट्टी का पीएच मान है ना वो लगभग 7.5-8 के आसपास आ रहा है, तो जो मिट्टी है ना वो ऊसर की तरफ जा रही है, तो उस ऊसर सुधार के लिए फिर उसमें जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम है, गोबर की खाद हैं, हरी खाद हैं, तो ऊसर सुधार होगा फिर उनका। पहले जांच हो जाए तब मालूम पड़ेगा इस ऐसा एरिया हुआ के क्यों, क्यों ऐसा हो गया कि मिट्टी की ये ये मतलब ऊसर जो होते जाते? कारण का क्या है कि जैसे यहाँ जो फार्मर है ना वो अधिकतर DAP, यूरिया, पोटाश इतना यूज करता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो उसकी सोच बनी हुई है कि हम जितना ज़्यादा लागत लगाएंगे उतना ज़्यादा उत्पादन पाएंगे, तो उसकी वजह से ये दिन रोज उत्पादन घट रहा है और लागत बढ़ रही है, क्योंकि जमीन में जितने भी पोषक तत्व हैं वो पूरे उसको दे नहीं पा रहा है। तो जो आप ये अंधाधुंध अगर आपको ये किसी ने समझाया है या आप ये खुद समझ गए हैं कि मिट्टी में अगर आपने खूब झपक के डाल दिया यूरिया DAP उससे पैदावार हो जाएगी, तो वो होने से रही, क्योंकि आप देते हैं अगर NPK डालते हैं उसमें तीन तत्व होते हैं, फास्फोरस या जिप्सम डाला अलग से कर दिया उसको, उसके अलावा लेकिन खेत को चाहिए होते हैं, किसी फसल को कम से कम 17 पोषक तत्व तो चाहिए होते हैं जो मिल नहीं पाते, और जब आप इस तरह यूरिया या उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो खेत जो है फिर वो जैसा कि बता रहे हैं उसका पीएच स्तर बढ़ता है या फिर बहुत कम हो जाता है, तो जमीन जो है वो ऊसर हो सकती है, बेजान हो सकती है, जैसे कि थोड़ी सी मिट्टी होने के कगार पे थी, तो अभी हमने कोशिश की है कि इसको बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी, धन्यवाद।